So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th probability video number 5. एक एक फार्मूला है नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज सिंपली कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो हमेशा क्या होता है जीरो से बड़ा ही होगा या इक्वल, कभी कभी इक्वल हो सकता है, एकाध केस में जब बोल रहे हैं एक डाइस को फेंकें और एट आ जाए तब जीरो आएगा, और मैक्सिमम जीरो से वन के बीच में लाइक करता है और वन से छोटा ही होता है. वन से इक्वल तब होगा जब डाइस फेंकर कोई बोला कि कुछ हो आ जाए जीत जाओगे, नहीं तब वन हो सकता है. इतना पढ़ चुके थे, कुछ क्वेश्चन और बना के दिखा रहे हैं. बोलिए क्वेश्चन 25C बोलो. एक स्टार्ट नहीं किए हम लोग, बोलो फर्स्ट क्वेश्चन. एकदम वही क्वेश्चन सब है. थ्री, एक बैग में तीन रेड हैं, फोर ब्लू बॉल्स हैं और एक येलो बॉल है. एक बॉल निकालते हैं. क्वेश्चन बोलिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. इतना इजी है, सोचिए एक एक नंबर, तीन चार क्वेश्चन दे देगा एक एक नंबर दे देगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो, सेकेंड रेड, मुंह बन रहा होगा, थर्ड नॉट येलो, येलो नहीं आए, और चौथा नीदर, मतलब येलो भी नहीं आए और येलो भी नहीं और रेड भी नहीं आए. बोलिए क्या है. चलिए एकदम इजी. व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंपल स्पेस. कितना बॉल है टोटल, तीन चार सात और एक, एट बॉल्स आर देर. एक बॉल ड्रॉ करेंगे टोटल, तरीका है आठ. येलो बॉल का आने की संभावना, तो येलो बॉल एक है, वन बाई क्या होगा एट, बस ऐसे लिख देना क्या मैं. रेड के आने की संभावना, रेड कितना, थ्री बाई एट. नोट येलो, येलो नहीं आए तो कौन, ये लोग आए, सेवन बाई एट, गुड. ना येलो आए ना रेड आए, ना येलो आए ना रेड आए, मतलब ब्लैक आए, फोर बाई एट मतलब वन बाई. अंडरस्टूड, एकदम इजी क्वेश्चन. चार नंबर दे दिया होगा इस क्वेश्चन बनाने में. चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं. एक ऑफिस वर्किंग डे है मंडे से फ्राइडे. मंडे से फ्राइडे तक वर्किंग डे मतलब कितना डेज है, सिंपल स्पेस क्या है, फाइव डेज. क्लियर है. एक दिन अगर चूज करेंगे तो फाइव डेज. अब दो इंप्लॉई के बारे में क्वेश्चन हो रहा है, ए और बी के बारे में, दो काम करने वाला है वहां पे. एक ऑफिस में ए और बी कोई दो एम्प्लॉई है जो काम करने वाला है और दोनों ही एब्सेंट हो जाए सेम डे में, सेम डे में एब्सेंट हो जाए, तो बोलिए सेम डे में एब्सेंट का मतलब क्या है. अगर फर्स्ट एम्प्लॉय मंडे को एब्सेंट है तो दूसरा एम्प्लॉय भी मंडे को ही एब्सेंट हो. अगर ट्यूसडे को हुआ है तो ट्यूसडे को हो, मतलब एक ही तरीका सोच सकता ना, है कि नहीं. अगर कोई सप्ताह में एक दिन है, अगर ये मंडे को हुआ हो तो मंडे को हो, एक ही तरीका ना हुआ. ट्यूसडे को हुआ है तो ट्यूसडे को हो दूसरा एम्प्लॉय, या वेडनेसडे को हुआ है तो वेडनेसडे को हो. तो कितना तरीका से, एक तरीका से ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि वो फ्राइडे को एब्सेंट हुआ तो उसको फ्राइडे को होना पड़ेगा, आउट ऑफ कितना, फाइव डेज. देयर इज ओनली वन चांस, एक ही चांस ऐसा हो सकता है कि कोई सप्ताह में एक दिन एब्सेंट हुआ तो दूसरा भी उसी दिन हो, मतलब वेडनेसडे को हुआ तो वेडनेसडे को हो. टोटल कितना है, टोटल है पांच तरीका से. वेडनेसडे को हो सकता है या दोनों थर्सडे को हो सकता है या दोनों इन्हीं में से कुछ हो सकता है. सेम डे में होने का मतलब क्या है, एक तरीका से. क्लियर है. कंजीक्यूटिव डे बताइए, कंजीक्यूटिव डे. एक क्वेश्चन, कंजीक्यूटिव डे दो लगातार दिन में एब्सेंट, देखिए इसको कैसे सोचेंगे हम लोग. अगर ये मंडे को एब्सेंट हुआ तो बी एब्सेंट कब हो, ट्यूसडे को. क्लियर है.
ए अगर एब्सेंट हुआ है मंडे को तो अगला दिन कंजीक्यूटिव डेज, दोनों को एब्सेंट करें लेकिन एक एक दिन के बाद कंजीक्यूटिव, वैसा देखिए अब कितना बनेगा। बस मेरा क्या बोल रहे हैं, या ये अगर ए अगर ट्यूसडे को एब्सेंट हुआ है तो बी मंडे को एब्सेंट हुआ हो, समझ रहा कि नहीं, खत्म नहीं हुआ, बहुत सा बनेगा ऐसा, फिर उल्टा भी सोचते हैं। अगर ये ट्यूसडे को एब्सेंट हुआ ए तो बी वेडनेसडे को भी एब्सेंट होगा तभी चलेगा, कंजिक्यूटिव हो गया, या उल्टा भी ट्यूसडे को अगर बी एब्सेंट हुआ है तो वेडनेसडे को ए हो जाए। ऐसे ऐसे काउंट करके देखिए आपको टोटल तरीका क्या मिलेगा, 24 तरीका से ऐसा आपको मिलेगा। अगर फ्राइडे को ए एब्सेंट हुआ है तो बी एब्सेंट कब होगा, या तो थर्सडे को हो, क्लियर है, या फ्राइडे को अगर ए एब्सेंट हो तो मंडे को भी चलेगा, मंडे को भी एब्सेंट होगा तो लगातार दिन हो गया, फ्राइडे के बाद सीधे मंडे को ऑफिस खुलता है। तो ऐसे काउंट कीजिएगा, टोटल तरीका मिलेगा आपको 24 जिसमें कंजिक्यूटिव डेज होगा, और टोटल तरीका का टोटल डेज अगर दो लगा, इसमें एक ही दिन चूज कर रहे थे हम लोग, अब दो दिन चूज करना, टोटल सिंपल स्पेस बोलिए इसका क्या होगा, इसका टोटल सिंपल स्पेस देखिए कैसे बनेगा। मंडे है तो दोनों मंडे, मंडे है तो ट्यूसडे, मंडे है तो वेडनेसडे, मंडे है तो थर्सडे, मंडे है तो फ्राइडे, टोटल तरीका दो दिन चूज करना है हमको, दो दिन चूज करना है इसमें, जिसे हम लोग डाइस में दो को चूज किए थे इसी तरह से, ट्यूसडे है तो मंडे, ऐसे करते करते गिनेंगे, फ्राइडे है तो फ्राइडे, टोटल कितना आएगा 25, टोटल तरीका हो जाएगा 25 तरीका से, टोटल तरीका है दो दिन चूज करना है ना, उसमें से दो लगातार दिन में वो लोग एब्सेंट हो तो गिनेगा 24 को आएगा, डिफरेंट डेज। ब्रदर थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सेंट इन डिफरेंट डेज। अब डिफरेंट डेज कैसे होगा, मतलब एक मंडे को हुआ है तो दूसरा ट्यूसडे को, बोलिए कितना को होगा, 20 होगा कि नहीं होगा, टोटल 25 है, दो दिन चूज करना है, अलग अलग दिन एब्सेंट हो, इसमें क्या सेम डे था इसलिए 5 हुआ, सेम डे तो मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे, कंजिक्यूटिव डेज क्या हो 25 दिन होगा, डिफरेंट डेज कितना, टोटल 25 है, बोले डिफरेंट डेज कितना होगा, मंडे मंडे छोड़ दीजिए, ट्यूसडे ट्यूसडे छोड़ दीजिए, वेडनेसडे वेडनेसडे छोड़ दीजिए, थर्सडे थर्सडे छोड़ दीजिए, फ्राइडे फ्राइडे छोड़ दीजिएगा, तो टोटल आएगा कितना तरीका से, 20 तरीका से, टोटल 20 तरीका से आएगा, यानी क्या आएगा, कटेंगे तो 4/5 है आंसर, नोट कर लीजिए। इन ए डाइस मार्किंग आर लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या -1, -2, -3, यानी 6 तरीका से तो है लेकिन मार्किंग अलग कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव कौन कौन है आपको जिताने के लिए, बोलिए 3/6, 1/2, -3 से बड़ा कौन कौन है, -2 है, -1 है, 1, 2, 3 से बड़ा है, -3 से बड़ा कौन कौन है, -2 है कि नहीं, -1 है कि नहीं, -3 से बड़ा -2 होता है, -1, 0, 1, 2, 3 तो कितना होगा 5, -1 और 2, 5/6। स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है, -3 है, 1/6, स्वेयर आया कि नहीं, 4, 5, 6 की जगह -1, -2, -3 लिख दिया और ऐसे पूछ दिया। 15 का क्वेश्चन बोलिए, 2, 0, 5, 1, 5 A game of numbers is card marked with 11, 12, 13, 2, 40. 15 तक 40, 40, 2, 40, 0. 11 से 40 तक cards are there, there are 40 cards. Sorry, 30 cards. There are 30 cards.
मार्किंग फ्रॉम 11 से 40 तक, 11, 12, 13, 14 करते करते 40 तक ना. व्हाट द क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. ए कार्ड इज सिलेक्टेड परफेक्टली स्क्वायर, सेकेंड डिविजिबल बाई सेवन, थर्ड बस दो ही क्वेश्चन, तभी चार नंबर दिया होगा. एकदम इजी, बोलिए टोटल कार्ड तो 40 है, खत्म. ऊपर में कौन होगा बोलिए, परफेक्टली स्क्वायर कौन कौन है इसमें, 16 है कि नहीं है, 25 है कि नहीं है, 36. 11 से लेके 40 तक में परफेक्टली स्क्वायर कौन कौन है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 49 हो जाएगा. तो तीन गो ही नंबर है जो परफेक्टली स्क्वायर है, खत्म. डिविजिबल बाई 7 कौन कौन है बोलिए, 14, 21, 7 नहीं होगा, 7 कहाँ इसमें, 11 से स्टार्ट हो रहा है, 35 बस. 1, 2, 3, 4 कार्ड बाई 40, 1/40 कैसे मालूम है, टोटल कार्ड 40 है इसलिए सिंपल स्पेस हो गया. अंडरस्टूड, एकदम इजी क्वेश्चन है सब, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है. आइए भावेल, भावेल कौन कौन है जिताएगा इनमें से, ए है, ई है, आई है, ओ भी है कि नहीं, पी तक में. ए से पी तक 16 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, ए से पी तक अल्फाबेट 16 को होते हैं, उनमें भावेल कौन है, 4, एक ही सिलेक्ट करना है, टोटल तरीका 16 एंड 4 से 4. कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है, 4 गो भावेल है, तो कॉन्सोनेंट बी से लेके पी तक में कितने होंगे गिन लीजिए, 16 में 4 हटाइए क्या होगा, पी तक में 16 है, उसमें 4 गो भावेल है, तो 12 कॉन्सोनेंट है, 3/4 से काट दिए. मीडियन के अक्षर नहीं आना चाहिए, 16 गो में एम नहीं आना चाहिए, ई नहीं आना चाहिए, डी नहीं आना चाहिए, आई बी ए बी एन बी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन अक्षरों को छोड़ दीजिए तो क्या बच गया, इनके अलावा कोई अक्षर आ जाना चाहिए, लेटर आना चाहिए, 10/5/ इससे इजी क्या होगा, समझ गया, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है, एकदम इतना ही इजी रहता है, इजी हार्ड वो डिपेंड नहीं है, आप सोच पाएंगे कि नहीं वो होता है. एक और बोलो क्वेश्चन, बॉल्स का संख्या नहीं पता चली, पहली बार ऐसा क्वेश्चन है. ऑन ईच ऑफ 60% बॉल्स लेटर ए इज मार्क्ड, ऑन ईच ऑफ 30% बॉल्स लेटर बी इज. इन ए बॉक्स 60% बॉल में ए लिखा गया है, 100 गो बॉल है मान लेंगे अपने परसेंटेज रहेगा, तो 100 गो बॉल में 60 गो बॉल में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, 30 बॉल्स 30% 100 में 3 क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, और 10 मतलब 100 में 10 सी लिखा हुआ है, बोलिए सी के आने की क्या संभावना है, 10/100 इसमें एनएस क्या माना, जब भी परसेंटेज रहेगा तो 100 कर लीजिएगा, मान लीजिए 100 गो बॉल अपने मन से मान लिए, ए और बी, ए या बी कितना है बोली तो, है कि 90%, ए या बी आएगा जीत जाएंगे तो 90% चांस आपको जीतने का, ना बी आए ना सी आए तो मतलब कौन आए, ए आए, क्लियर है, इसका आंसर 1/10, इसका आंसर 9/10, इसका 2, 3, 2, 5 अंडरस्टूड, कैसे बनाए हैं नोट कर लीजिए. चलो चलिए क्वेश्चन में आते हैं. X, सपोज ए बी सी तीन तरह का बॉल है, कुछ बॉल ए है कितना है नहीं दिया हुआ है, कुछ बॉल का मार्किंग बी है और कुछ बॉल का सी, और सी का 40 बॉल है ऐसा दिया हुआ है, ए का कितना बॉल नहीं पता, बी का कितना बॉल नहीं पता, सब मिला के कितना बॉल नहीं पता है, तो सपोज इसको X मान लिए, इसको Y, टोटल बॉल कितना हो गया, 40+X+Y हमको x का, लेकिन a का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 1/3 और b का प्रोबेबिलिटी दिया 1/4 बस इतना ही दिया हुआ है, तो टोटल a कितना बोले b कितना बोले ये निकालना हमको, a का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, चलिए a का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/3, तो बताइए टोटल बोल कितना है, 40+X+Y और a का बोल को क्या माने, x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए के आने का चांस 1/3 है, तो ए का बोल को एक्स माने हैं, लेट एक्स इज द नंबर ऑफ ए बोल्स,
एक्स बाई टोटल कितना हो जाएगा, इतना क्रॉस करिए क्या होगा, थ्री एक्स, थ्री एक्स इक्वल टू क्या, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इधर लेंगे एक्स क्या होगा 2x, वाई इधर आएगा इज इक्वल टू 40 इक्वेशन वन। इक्वेशन से बनेगा ये, x भी नहीं पता है मतलब a बोल भी नहीं पता है और b का भी बोलों का संख्या नहीं पता है, तो a का बोल को x माने। उसी प्रकार pb का वैल्यू क्या दिया हुआ हम लोग को, 1 by 4 दिया हुआ है। तो बोलिए pb का वैल्यू कैसे निकालेंगे, b का बोल कितना है y, b का बोल क्या हम लोग के पास y, और टोटल बोल कितना है 40 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 1 by 4, क्रॉस करिए तो क्या होगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 4y, इधर लाइए x माइनस 3y हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे y से तो उधर गया माइनस 40 इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आ गया, इनको सॉल्व करेंगे तो x और y निकलेगा, तो x मतलब a का बोल का संख्या पता चल जाएगा और b, फिर देखिए a के होने की संभावना 1 by 3, क्लियर है, a के होने की संभावना 1 by 3, यानी x by 40 प्लस x प्लस y का वैल्यू क्या है 1 by 3, क्रॉस कर दिए 40 है कि नहीं, क्रॉस करने आता है इक्वेशन फॉर्म हो गया x y में, x इधर आ गया 3x में, x गया 2x, माइनस y इधर आ गया, क्लियर है 40 बच गया। उसी प्रकार b के होने की संभावना क्या दिया 1 by 4, यानी y by x plus y by 40, y होता ना ऊपर में कितना है y, by total कितना है 40 plus x plus y, divide किए cross कर दिए x minus 4y इधर minus होगा, y से तो 3y बचेगा, मालूम बना x plus y minus 4y equal to, तो आ गया x minus 3y minus 40। अब solve करेंगे किसको, 1 और 2 को solve करिए, चलिए क्या है हम लोग के पास 2x minus y equal to 40 आता है, 8 क्लास पास किए हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, किसको काटना है, अगर आपको काटने का मन है x को तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, इसको 1 से किए हैं सेम करने के लिए, पढ़ते हैं ना, पढ़े हैं ना कभी, चलिए भरोसा नहीं है, 2x minus y is equal to 40, 2x minus 6y equal to minus 80। अब हम लोग साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 2x कट जाएगा, 5y इज इक्वल टू 120 जोड़ दिए तो y का वैल्यू 120 बाई 5 24, यानी y का बोल का संख्या 24 है, y का बोल का संख्या 24 है, b बोल का संख्या कितना आया 24, तो x का कितना आएगा, x निकालने के लिए किसी पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, 2x इसके बाद ऊपर है फिर इधर आए, 2x minus y का वैल्यू क्या है 40, 2x minus 24 equal to 40, 2x equal to 64 उधर गया plus 24 हो गया, 64 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 32, चेक कर लीजिए आंसर। व्हाट द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था, फाइंड व्हाट नंबर ऑफ वॉल्स ऑफ ए, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा था, नहीं उसके बाद क्वेश्चन पूछा था ना, इफ देयर आर, उसके बाद नंबर ऑफ बॉल्स निकालना है, ए का बोल कितना हो गया सी का बोल, ए का बोल कितना हो गया हम लोग पास 32 एक्स था, बी बोल है वाई कितना निकाले हम लोग 24, और सी का बोल कितना था हम लोग पास 40, टोटल बोल निकल गया कितना है, गया जोड़ दीजिए है आंसर, ठीक है ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, खैर इतना लंबा एग्जाम में नहीं आता है, एकदम इजीली बनता है, सही क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत कुछ बताने वाला है, नया चैप्टर शुरू होने वाला है, नोट कर लीजिए।